क्लास फाइव के बच्चे ध्यान होगा आपको, चैप्टर 1.3 हम लोग का चल रहा था रिवीजन में, प्लांट चैप्टर, जिसमें हम लोग ने रिप्रोडक्शन खत्म कर लिया। आज हम लोग जानेंगे उन प्लांट्स के बारे में जो दूसरे देश से हमारे देश में यह आए हैं, पहले किसी और देश में होते थे और अब हमारे देश में भी हो पाए जाते हैं। प्लांट दैट हैव कम फ्रॉम एयर फार, ये चैप्टर है आपका। In our surrounding, all plants are not native. Some have come from other countries. दूसरे देशों से आए हैं। जैसे आपका हम लोग चाय और कॉफी के व्यवहार में हम लोग का हो गया है, हम लोग इसको घर में जाइए किसी के भी तो ऑफर यही होता है चाय या कॉफी का। लेकिन कभी आपने सोचा है कि यह चाय कहाँ से आया होगा? तो चाय जो है वह चाइना से आया। चाइना में किस तरह से चाय अवतरित हुआ, किस तरह से चाय बनाना लोगों ने सीखा, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। चाइना का जो राजा था उसको एक बीमारी रहा करती थी, जिससे वह उसका वैद्य जो है, मैंने जो डॉक्टर उस समय के होते थे, उन्होंने कहा कि कभी राजा को गर्म पानी ही पीना है, कभी ठंडा पानी नहीं पीना है। ऐसे में क्या है, बहुत सारा पानी एक बार में गर्म करना पड़ता था। तो जो रसोई खाना था, चाय के पौधे को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। और हुआ क्या कि वह कुछ पत्ते टूट करके उसी पानी में गिर पड़े, जो पानी खौलाया जा रहा था राजा के लिए, तो वह पानी खौल गया और वह चाय जो है वह तैयार हो गई। उसमें कुछ भी स्वाद नहीं था लेकिन बहुत सुंदर सुगंध था। तो राजा को यह पेश किया गया तो राजा अति प्रसन्न हुआ और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई। इस तरह से दुनिया में सबसे पहले चाय जो है वह चाइना में ही शुरू हुआ उगाने का। उसके बाद फिर जापान में आया, फिर हमारे देश में आसाम में चाय की खेती होती है। चाय को छोड़ दिया जाए तो बड़ा सा पेड़ हो जाएगा, इसको तीन बार चार बार काट करके छोटा कर दिया जाता है, साइज के हिसाब से इतना छोटा कर दिया जाता है ताकि उसके पत्ते तोड़े जा सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इससे और इंटरेस्टिंग बात और कहानी जो है कभी मैं आपको क्लास में भेंट करूंगा तो इसके बारे में और बताऊंगा। चलिए तो हम लोग आते हैं अब इथोपिया, जहाँ से कॉफी आए। तो इथोपिया में जो कॉफी होता है यह पेड़ या पौधे के रूप में होता है, इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं। और ये कहाँ होता है तो इथोपिया के पहाड़ों पे हुआ करता था। तो जो बकरी या भेड़ जो चराते हैं इथोपिया में, वो चल जाते थे चराने के लिए, तो वो बकरी या भेड़ उसी फल को खा लेते थे। तो चरवाहे ने देखा कि यह क्या हो रहा है, ये सोने रहे बहुत देर से, ये जगे हुए क्या कारण है? तो उन्होंने देखा कि ये लाल लाल कलर का कोई फल ये खा लेते हैं, जिससे इनको नींद नहीं आती है। जिन्होंने वो फल खाया उन्हें नींद नहीं आई। तो क्या है कि उन फलों को तोड़ लिया गया, तोड़ करके उसको सुखाया गया, सुखा करके उसको फिर भुना गया, भून कर पीसा गया, पीस करके तब शुरुआत में इसको नमकीन, बात समझ रहे हैं, नमक वगैरह डाल करके एक तरह का ड्रिंक बनाया गया, जिसका नाम बाद में चल के कॉफी पड़ा। जब ये यूरोप के अन्य कंट्री में गया तो इसमें दूध और शक्कर डाल करके लाजवाब कॉफी बनाने का नियम हो गया। इस तरह से इथोपिया ही में दुनिया का सबसे पहला कॉफी बोया जाता था। वह हमारे देश में आया, वो फ्रांसिस जो थे अपने साथ बीज लेके आए थे, जिन्होंने चेन्नई में इसको बोया। और चेन्नई में हमारे देश में कॉफी के बीज होते हैं और बहुत अच्छा पैदावार होता है। आगे हम लोग और सब प्लांट के बारे में जानेंगे कहाँ से आए, लेकिन उनके बारे में मैं कहानी नहीं जानता हूँ। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ी बहुत कहानी जानता हूँ जो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बार बार देखिए, जो भी समस्या आती है इसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।